अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जी, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो हेयर पे है, और जो कि आप अपने और जो मेरी ये वीडियो है वो हेयर पे है, और जैसे कि प्री मैच्योर यानी कि वाइट बालों का जो मसला है वो तकरीबन एज के साथ साथ सभी के साथ है, और जब वो ग्रे हेयर आ जाते हैं उनको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर ना कवर किया जाए तो बुरे भी लगते हैं। और इसी तरह आजकल कुछ शेड, फैशन वाले जो शेड हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमें अपना ब्लैक कलर छोड़ के थोड़ा सा ब्राउन शेड की तरफ आ जाना चाहिए। सभी लोग तो नहीं आते, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जो लोग ब्राउन शेड की तरफ आ जाते हैं और फिर उन्हें वो उनके अंदर जो ग्रे हेयर हैं वो तो जाहिर सी बात है अंदर स्किन के अंदर से निकल ही रहे होते हैं, उनको वो कवर कैसे कर सकती हैं बगैर सलोन जाए अपने घर के अंदर रहते हुए, और उनका वो ब्राउन शेड भी वैसा ही रहे, और जो उनके बालों में जो मसला है ग्रे हेयर का वो भी हल हो जाए। तो इस पर मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ, और ये है ओलिविया का 5.4, ये वाला नंबर है। ये मेरे बालों का शेड है, जो शेड इस पे आ रहा है, डब्बे पे आ रहा है, यही हमारा ओरिजिनल शेड नहीं आता, सेम टू सेम ये नहीं आता, इससे थोड़ा सा डार्क आता है। तो बास क्लाइंट आके कहते हैं कि जी इस तरह का हमें ऐसा ही शेड चाहिए जो कि सेम टू सेम ये है, इसके ऊपर ऐसा नहीं आता, इससे थोड़ा सा डर आता है। तो मैं इसकी मिक्सिंग जो है वो आपको बता रही हूँ कि 2:1 की रेशो से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। जैसे ये इसकी ट्यूब है, ये इसका डेवलपर है, और ये इसमें कंडीशनर है। कलर कोई भी नया आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो मैंने ये ओलिविया का लिया, मैं कभी किसी कोई कलर ले लेती हूँ, कभी कोई ले लेती हूँ, गार्नियर का भी आ जाता है, क्यूने का भी आ जाता है। तो ये बहरहाल मुझे अच्छा लगा ये शेड, तो मैं अब कई दफ़ा से यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसका ये वाला 5.4 नंबर है, और ये इसकी ट्यूब यानी कि ये जो इसके अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं, और इसके साथ ये ब्लैक है। इसकी हम दो हिस्से इस ट्यूब के लेंगे और एक हिस्सा हम ब्लैक का इसमें ऐड करेंगे अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से। अगर तो बाल वाइट और ब्लैक इक्वल हैं तो फिर हम इक्वल की उसकी मिक्सिंग करेंगे, और ये 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ये बाल की जड़ों में भी अगर लग जाए तो इसका कोई मसला नहीं है। और ये इसमें कंडीशनर हम थोड़ा सा डालेंगे, और इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे। 35 से 40 मिनट के बाद हम अपने बाल वॉश कर लेंगे। अच्छा जी, ये ग्रे कवरेज के लिए जो है ना वो मैं ये बता रही हूँ कि जो आपके वाइट बाल हैं उनको आप किस तरह से इसकी इस कलर की मिक्सिंग किस तरह से करेंगे। ये मैंने एक बाउल दिया है, और ये हमारा ब्रश, ये आपके पास होना चाहिए घर में, और ये मेरा कलर है ब्लॉन्ड शेड में, जो आप ग्रे कवरेज करते हैं सिंपल में नहीं, ब्लॉन्ड शेड के अंदर जो वाइट कवरेज है उसकी मिक्सिंग मैं बता रही हूँ। उसके लिए आपको अच्छा ये वाला मेरा कलर है, ये मैं अपने पे यूज़ करती हूँ, और उसके साथ हमें ये ब्लैक वाला चाहिए। ब्लैक आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास सैलून वालों का है, अच्छा प्रोफेशनल सैलून एनुअल का है। और इसकी अब मैं मिक्सिंग बता रही हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। ब्लॉन्ड शेड में ग्रे वाइट रह जाते हैं, अगर हम खाली ये वाला एक शेड करेंगे तो इसकी बाल जो है ना वाइट नहीं छुपेंगे। तो उसका तरीका है क्या है कि इसमें आपको ये कलर आपने निकाला, ये वाला आपका ब्लॉन्ड शेड आ गया, और आपके बाल जो हैं उसके हिसाब से आप इसमें मिक्सिंग करेंगे। कैसे, अगर आपके बाल हाफ वाइट हैं
और हाफ आपके ब्लैक हैं, तो आप उसके हिसाब से इसकी मिक्सिंग देखेंगे। अगर आप अगर आपके लगता है कि आधे बाल आपके जो है ना वो वाइट हैं सर में और उतने ही आपके जो है ना ब्लैक हैं, तो उसके लिए आपने ब्लॉन्ड शेड इतना लिया, उसके लिए हम ये हम ब्लैक डालेंगे, लगा लें मटर के दाने के जितना हम ब्लैक ऐड करेंगे, यानी कि उससे हाफ क्वांटिटी हम ब्लैक की डालेंगे और वन यानी कि 1 इंच हम जो है ना इसमें डालेंगे ब्लॉन्ड शेड का और 1/2 इंच हम इसमें डालेंगे ब्लैक का। और इसमें ये हम 20 वॉल्यूम इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। और इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। मैंने जस्ट दिखाने के लिए जो है ना इसकी मिक्सिंग की है, मुझे अभी इस फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, जो आपके बाल वाइट हैं ब्लॉन्ड शेड बालों में और उसमें आपके आप कलर करते हो घर में और आपकी समझ में नहीं आता, ये मेरी उन बहनों के लिए वीडियो है जो घर में अपने बाल डाई करती हैं, जिन्होंने फैशन शेड किया हुआ है और उसमें जो वाइट बाल हैं वो नहीं छुप पाते, उनकी कवरेज के लिए मैंने ये वाला मिक्सचर बनाया है। ये आप इस तरह लेके ये इसकी मिक्सिंग करें और जड़ से आप अपने बाल उठाएं, इसके इसकी हेल्प से ये आपकी मांग है सेंटर में, ये आप यूं आपने बाल उठाया और ये सेंटर में आप यूं यूं करके आप लगा देंगे। फिर आपने यूं बालों की मांग पतली सी उठाई 1/2 इंच की और फिर आपने इधर से ब्रश किया और इधर से ब्रश किया, दोनों साइड से ब्रश करने के बाद आप सारे बाल अपने इसी तरह से कवर कर लें। जो बैक साइड है वो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं और इस तरह से आप अपनी जो है ना वाइट जो आपके बाल हैं ग्रे हेयर पे आप अपनी कवरेज कर सकती हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।